कसरावत के अरिहंत नगर में शिक्षक जगदेव कोचक के पुत्र देवेंद्र कोचक अतिथि शिक्षक का विवाह 15 अप्रैल को होने वाला था, किंतु कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के चलते निर्धारित विवाह मुहूर्त को कैंसिल कर दिया गया और प्रशासन से अनुमति लेकर चार लोग बारात लेकर निकले। देवेंद्र ने बताया कि उनका विवाह महेश्वर तहसील के इटावती गांव की गुंजन खेड़े से होने जा रहा है, जिसकी प्रशासन से अनुमति ली गई है, जिसमें 10 पारिवारिक सदस्य सम्मिलित होंगे। अनुमति मिली जिसमें वर पक्ष के 5 और वधु पक्ष के 5 परिजन शरीक होंगे। वर पक्ष से एक दुल्हा, दूसरा दुल्हे के पिता, तीसरा पंडित, जीजा और ड्राइवर सम्मिलित हुए। दुल्हे की माता श्रीमती बसंती कोचक और भाई अंकित भी घर पर ही रहे। शिक्षक जगदेव कोचक ने बताया कि वर्तमान में परिणय संपन्न कराना आवश्यक था, बैंड बाजा नहीं, कोरोना भाग जाएगा तो ऐसे ही बैंड बजवा देंगे। पड़ोसी BEO कंचन सिंह डावर ने बताया कि इस वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में इसे ही आयोजन होना चाहिए, नाजायज खर्च से बचना चाहिए, घर रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। भैया आपका नाम क्या है? देवेंद्र कोचक। बारात कहाँ से जा रही है? अरियंत नगर कसरावत से। कहाँ जाएगी? महेश्वर के पास। कितने बाराती आएंगे? 4 लोग। अच्छा, लॉकडाउन का पालन करते हुए जा रहे हैं? बिल्कुल। मास्क सभी लगा हुआ है? मास्क लगा हुआ है। कितने लोग जा रहे हैं? 4। साथ में पंडित जी भी जा रहे हैं? हाँ, पंडित जी। पंडित जी सही चाल। आप दूल्हे के पिता हो? हाँ। बारात जा रही है? हाँ। कहाँ से? कसरावत हरियंत नगर। कहाँ जा रही है? इटावती। परमिशन लिया आपने? परमिशन लिया था। आपकी तारीख मुहूर्त था क्या? मुहूर्त तो ऐसे 15 अप्रैल था, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी नहीं हो पाई, इसलिए हमने 7 तारीख का मुहूर्त निकाला। कितने लोग जा रहे हैं? 4 जन। 4 लोग जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? जगदेव कोचक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।